आपने FIR दर्ज की है सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके बारे में कुछ बताइए और क्या कारण? कारण सी हाँ सी एक्चुअली आज FIR दर्ज की है और आज ये मुद्दा बाहर आया है। इस बात को मैं बहुत पहले से अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया, इस चीज़ को अलग तरीके से बताया गया और अलग तरीके से जितना मुझे बदनाम कर सकते हैं उस तरीके को आगे रख के मुझे, तभी भी मैंने कहा ये मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ मैं, शायद मुझे उसी वक्त बोलना चाहिए था कि इस चीज़ के आड़ में मुझे अभी इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त आप इस चीज़ को बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम क्या आपको नो ऑफेंस बट इस तरह के मिस्टर कोहली की तरफ से कुछ फेवर करने को कहा गया था? क्या रूम में कुछ प्रॉब्लम हुए थे डिज़ाइन जब आपके रूम में क्या हुआ था पूरे खुले? जी पूरा खुलासा अभी जी इस बात को काफ़ी टाइम हो गया। देखो ये बातें हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत कॉमन होते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। देखो कोई किसी के पे हम लोगों की इंडस्ट्री में या कहीं भी आप म्यूचुअली एडजस्ट करते हो चीज़ों को, काम हो दोस्ती हो या कोई भी चीज़ हो, कोई आपके ऊपर रेप नहीं होता और कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन हाँ आप कोई सामने से आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उससे दूर जा सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें कुछ हुई थी और जिन लोगों ने वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी थी उन 5-6 लोगों को काम से निकाल भी दिया गया है और वही उसको आपने कोई आपकी जो कोस्टार है सोनिया तो आपने उनको नहीं बताया इस तरह की जानकारी? इस तरह की जानकारी वही आप अपने फीमेल कोस्टार को ही बताते हैं, लेकिन हाँ आप अपने फ्रेंड को बताते हो, आप अपने कोस्टार को नहीं बताते हो। वही मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने उसको बताया था कि मुझे ये बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ मुझे। वो भी मैं एकदम से नहीं बता पाई थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन उस बात को कम ऑन यार, आप छोटे थोड़ी हो, आपको पता है किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए क्या करना चाहिए। इस तरह से मुझे चुप किया गया और समझाया गया उस वक्त। लेकिन उसके बाद मेरी प्रोड्यूसर मुझे 2 दिन के बाद फ़ोन करके ये बोल रही है आप अपने आप को समझते क्या हो, मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो। तो वही धमकाना, मैंने कहा सी मेरा मुझे जो फील हुआ मैंने बताया। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया था मैम को, आपकी प्रोड्यूसर को, उस वक्त उन्होंने कहा था हमने फुली एक्सक्लूसिविटी भी प्रोवाइड की थी लेकिन उसके बाद भी आपने हाइक मांगा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सक्लूसिविटी उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी? डबल पे कर दिया था कंटिन्यू किया और उसके बाद आप उसके पास है वो राइटिंग में है जो डबल पे किया था सिंटा में भी लिखे वही वही प्लस उन्होंने ड्रेस आपके जिस तरह से आप बोल रहे हैं ड्रेस के बारे में उन्होंने वो उन्होंने मेरे वही उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा बहुत कुछ कहा और उसके बाद भी अगर मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती तो ये बात आज मैं बोल रही हूँ। बहुत उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने मुझे डिजाइनर क्लोथ्स दिए, उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया। मेरे रूम में जो सामान था LCD TV फ्रिज माइक्रोवेव सब उन्होंने मुझे दिया था, सब उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। तो मैम पुलिस की तरफ से आपने FIR भी दर्ज कराई है तो पुलिस की तरफ से क्या रवैया रहा कुछ? सी FIR आप जहाँ इंसिडेंट्स होता है आपको उस लोकेशन पे करना पड़ता है, उस लोकेशन के मैं मलाड में रहती हूँ तो मैं मलाड के पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकती। सो उनका सेट वहाँ पर है तो मिस्टर महेश पाटिल इंस्पेक्टर महेश पाटिल है, इन्होंने मुझे बहुत रॉन्ग ये किया है, मेरे साथ बिहेव किया है। FIR मतलब वही हमारे एरिया में उनका सेट है तो वही चीज़ें हैं कि सेट का आप ख्याल रख रहे हो या आप वो लोग आपका ख्याल रख रहे हैं। मैंने गलत व्यवहार किया हाँ मेरी FIR नहीं मतलब हाँ ले रहे करके यहाँ से वहाँ बैठो वहाँ से यहाँ, मतलब 3 दिन उन्होंने मुझे घुमाया है, अभी आप इससे बात करो अभी आप उससे बात करो अभी रुको अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे से बात करते करते गाड़ी लेके चले गए फिर वापस आए। मतलब उनको FIR मतलब उनको किस तरह से मैं इन लोगों को बताऊँ फिर वो मुझे वापस अलग तरीके से टॉर्चर करे और FIR दर्ज ही ना हो, उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो मैम आप महाराष्ट्र नवनिर्माण से भी आपके पहले अपने गए थे तो क्या आप महिला विंग से आप बात करेंगे जस्टिस के लिए? बिल्कुल करूँगी। ठाकरे जी से आप बात करेंगे? बिल्कुल करूँगी क्योंकि उस वक्त मुझे इन लोगों को अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी जो उन्होंने किया,
क्योंकि उस वक्त मैंने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, और मैं उसमें से बाहर निकल गई थी, लेकिन आज उसके बाद जो मुझे चल रहा है, मैं तो ऐसा शो बंद करवा दूँ, ऐसे प्रोड्यूसर को घर पे बिठा दूँ जो मुझे घर पे बिठाने की बात कर रहे थे। मतलब आर्टिस्टों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम मत करो जो आपके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, और हमें एज ए प्रोड्यूसर राइट्स दिए गए हैं ये बोल रहे हैं। मेरी ही सिंटा एसोसिएशन को मेरे खिलाफ ही भड़का रहे हो आप, चैनल को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरा गलत पिक्चर रख रहे हो, तो ऐसे प्रोड्यूसर से डेफिनेटली शो ले लेना चाहिए। तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना, सी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वही कोई रिवेंज नहीं लेना, ठीक है। आपने जो मेरे साथ किया था मैं आज उसी का जवाब दे रही हूँ, और उसको जवाब देते देते आपने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया उस बात को कि इतना टाइम हो गया उस बात को, और मेरे ख्याल से टाइम मार्च, लास्ट मार्च की बात है जो उन्होंने मुझे हैरेस करना शुरू किया। आज ये बात आके सामने सही टाइम पे आ रही है मुझे लगता है। तो मैम आप महिला आयोग में भी आप जाएंगे, नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेन आप वहाँ पे दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने आपने गलत व्यवहार किया तो आप वहाँ पे भी आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी चीज़ें चल रही है कि मुझे ये लोग अभी सपोर्ट करें, क्योंकि पिछली बार मेरे बारे में इन्होंने बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी, यू नो सारे मेरे फैंस को मेरे खिलाफ भड़काया था। तो आज मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि सच्चाई बताकर एटलीस्ट पब्लिक, मेरे जो फैंस हैं वो मुझे सपोर्ट करें। लेकिन आपके जो पोस्टर थे उन्होंने आपको कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया है, उन्होंने उल्टा आपके ऊपर बयान दिया है, तो क्या कारण थे उसके, रीज़न कुछ बता सकते हैं आप? आप ही सोचो वो उसके साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता, मेरा फ़ोन नहीं उठा सकता, मुझे रिप्लाई नहीं कर सकता। क्या ऐसा इंडस्ट्री में कभी हुआ है? क्या कभी किसी के रिप्लेसमेंट नहीं, कोई शो नहीं छोड़ा किसी ने? Thank you. Thank you.